बच्चों आज हम सीखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का क्या है, रिवर्स है। और जिस तरह से ऑक्सीडेशन में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स थे, क्लासिकल और मॉडर्न, उसी तरह से यहाँ भी है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का हटना, नॉन मेटल का हटना क्या है, रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना और मेटल का जुड़ना, यानी किसी सब्सटेंस के साथ यदि हाइड्रोजन ऐड हो गया, मेटल ऐड हो गया या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया, तो वह क्या है, रिडक्शन। जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है, ऑक्सीडेशन क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रिडक्शन क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ रिडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, यानी यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ देखिए H2O किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में, यानी ऑक्सीजन इससे रिमूव हुआ, यानी H2O का क्या हो गया, रिडक्शन। इसी तरह देखिए यहाँ ये HgCl2 है, SnCl2 है, क्या बन गया, Hg2Cl2 और SnCl4। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक मरकरी के साथ दो क्लोरीन है, जबकि यहाँ दो मरकरी के साथ दो क्लोरीन है। इसका अर्थ क्या है कि मेटल यहाँ बढ़ रहा है, यानी नॉन मेटल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, या फिर कह सकते हैं एडिशन ऑफ मेटल। यहाँ देखिए FeCl3 किस में कन्वर्ट हो गया, FeCl2 में, यहाँ से नॉन मेटल हट रहा है। फिर यहाँ देखिए ये क्या है, FeCl3, ठीक है, FeCl3, और यह क्या हो रहा है, ये हो जाएगा यहाँ FeCl2, ठीक है, FeCl3 H2S के साथ, तो FeCl3 से क्या हो रहा है, FeCl2, और यह जो H2S है यह किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो रहा है। यदि नॉन मेटल का रिमूवल देखिएगा तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसी तरह देखिए क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, यहाँ सल्फर के साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन। तो ये सारे क्या हैं, रिडक्शन है। ये देखिए ये क्या है, इथीन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर इसका हो जा रहा है रिडक्शन। ये एक्चुअली क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। ये रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, या तो निकेल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, एडिशन ऑफ मेटल। ये देखिए कॉपर किसके साथ, CuCl2 के साथ, तो यह क्या बन गया, Cu2Cl2। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है, +2, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मेटल इससे ऐड हो रहा है, तभी तो, यानी कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ देखिए HgCl2 के साथ क्या बनाया, HG2Cl2, यानी इसके साथ क्या ऐड हो गया, मेटल ऐड हो गया, तो ये सारे क्या है, रिडक्शन। अब यहाँ देखिए क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड होकर क्या बनाया, क्लोराइड, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, क्या बन गया, ऑक्साइड आयन, तो ये भी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। नाइट्रोजन के साथ तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, क्या बन गया, नाइट्राइड आयन, ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसी तरह से जो लास्ट एग्जांपल है वह क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटना, वह क्या है, रिडक्शन है। यहाँ देखिए Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, Fe2+, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में विथ एग्जांपल।
थैंक यू।